नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। के साथ स्मैक तस्कर महिला गिरफ्तार, तस्करी के आरोप में 8 बार जा चुकी जेल। स्मैक तस्करी के आरोप में रेशमा को एक बार फिर पकड़ी गई, इसमें पूर्व व 8 बार जेल जा चुकी है। उत्तराखंड के जिला चंपावत के थाना बनवसा में भी वांछित उसके पति रिफाकत पर स्थानीय थाने में 11 मुकदमे दर्ज है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में स्मैक तस्करी के आरोप में रिफाकत और उसकी पत्नी रेशमा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्हें सिर्फ 23 ग्राम स्मैक के बरामदगी की दिखाई गई है। पिछले दिनों में अन्य तस्करों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बरामदगी कम दिखाने से जमानत आसानी से हो जाती है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुखबिर की सूचना पर शाती रिफाकत और पत्नी रेशमा को घर से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दोनों स्मैक बेचने की डील करने निकले थे। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। रेशमा उत्तराखंड के थाना काशीपुर से स्मैक तस्करी के आरोप में 8 बार जेल जा चुकी है। जिला चंपावत के थाना बनवसा से भी वांछित है। वहीं रिफाकत पर स्थानीय थाने में 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि दोनों उत्तराखंड से स्मैक खरीद कर लाते हैं। कस्बा ग्रामीण क्षेत्र में अपने गुर्गों से फुटकर में भी आते हैं। उन्होंने गांव कुरतरा गांव निवासी गुर्गे को स्मैक देने जाने की बात बताई। उसकी तलाश की जा रही है। पहले पति के साथ शुरू किया स्मैक का धंधा। रेशमा के बारे में बताया जाता है कि उसकी पहली शादी काशीपुर निवासी अजहर से हुई थी। वहीं पूरे उत्तराखंड में अजहर के साथ स्मैक का धंधा करती थी। रिफाकत को भी वह स्मैक को खेप सप्लाई करती थी। इससे उसकी रिफाकत से नजदीकियां हो गई। जब अजहर स्मैक तस्करी में जेल चला गया तो रेशमा ने रिफाकत से शादी कर ली। दोनों फतेहगंज पश्चिमी में रहकर स्मैक तस्करी करने लगे। रिफाकत शातिर स्मैक के नामी तस्कर शराफत का भतीजा है। एसएसपी धूले सिंह चंद्रभान ने बताया कि चर्चित स्मैक तस्करों और उनके गुर्गों पर कार्रवाई जारी रहेगी। स्मैक की बड़ी खेप पकड़ने के लिए भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर